नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और केळकर तुअणकर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी मदद स्टूडेंट्स को होगी, कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ पढ़ाई को लेकर टिप्स। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास एग्ज़ाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर 10th 12th के एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर कुछ और एंट्रेंसेस चलती है, तो उसके लिए काफ़ी लोग एडवाइस के लिए आते हैं कि हम कैसे स्टडीज़ करें, हम एक्चुअली कैसे प्रोसीड करें। तो स्टडीज़ काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, तो उनके लिए कुछ मैं एक छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगी जिसका उपयोग आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके स्टडीज़ में ज़रूर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका गोल सेट करें, यानी आपका ध्येय सेट करें कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं कि गोल सेट करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, अगर मिला तो मैं ये भी करूँगा, वो नहीं मिला तो वो कर लूँगा। ऐसा जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारा टारगेट ही, यानी ध्येय सेट ही नहीं होता है। तो इसलिए पहले हमें सेट करना है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मैं डॉक्टर ही बनूँगा और उसके लिए ही मैं प्रयत्न करूँगा। तो पहले हमारा ध्येय हमें निश्चित करना चाहिए। दूसरा, यानी कि अब अगर हमने ध्येय निश्चित किया है तो वो ध्येय निश्चित करने के लिए हमें एक टारगेट भी सेट करना है। यानी अगर हमारा ध्येय है कि MBBS को ही हमें एडमिशन मिलना चाहिए, तो MBBS के लिए मार्क्स का टारगेट हमको सेट करना है, या UPSC MPSC देना है तो किस कट ऑफ पे हमको MPSC में एंट्रेंस में हम क्वालिफाई होंगे या UPSC में क्वालिफाई होंगे, ये हमें सेट करना है। 10th के 12th के बच्चे आते हैं मेरे पास, वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, हमें देखते हैं 70 मिल जाए, 75 मिल जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे से पढ़ाई नहीं होती क्योंकि आप फोकस्ड नहीं रहते। इसलिए मैं बोलती हूँ उन्हें कि पहले आप डिसाइड करो कि नहीं, मुझे 90% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मुझे उतने मिलाने ही है, तो ही हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रायोरिटी। हमें हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। क्या हमारी प्रायोरिटी करियर है, हमारी प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई है या बाकी चीज़ें हैं। मैं काफ़ी बच्चों को देखती हूँ कि एक महीना रिलेटिव के यहाँ शादी है, चले गए एक महीना रहने के लिए, 10th की एग्ज़ाम है और एक महीना आप टाइम पास कर रहे हो, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपकी क्या आपकी प्रायोरिटी आपके रिलेटिव या कि यहाँ की शादी है, ये हमें पहले डिसाइड करना है। नहीं, हमारी प्रायोरिटी फ़िलहाल 10th है या 12th है या एंट्रेंस है, तो हम प्रायोरिटी सेट करके ही काम कर सकते हैं। एक बीच में मेरे पास लड़का आया था, उसे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो फुटबॉल वो दो दो तीन तीन घंटे दिन के खेलता था। अगर उसको और वो एंट्रेंस देने वाला था कुछ आर्किटेक्चर की, मैंने उसे कहा कि अगर तुम 3 घंटे फुटबॉल खेलते हो तो पढ़ाई कब करते हो। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है फुटबॉल खेलना, क्या हमें फुटबॉलर बनना है? नहीं, अगर हमें आर्किटेक्ट बनना है तो हमारी प्रायोरिटी आर्किटेक्चर की पढ़ाई होनी चाहिए और उसकी एंट्रेंस होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रायोरिटी सेट करो। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट। हमारे दिन के 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से हमें काफ़ी चीज़ें करनी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा टाइम टेबल फिक्स है, सेट है, तो हम उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें 6 महीने बाद एग्ज़ाम देनी है तो 6 महीने का टाइम टेबल एक रफ हमारे पास तैयार चाहिए, यानी हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कैसे करने हैं, इसका हमें अंदाज़ा आ जाएगा। और फिर हमें हर हफ्ते का टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। वो टाइम टेबल सिर्फ बना के चिपकाना नहीं है, तो उसे फॉलो भी करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके साथ आया है 5th पॉइंट, हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी है दिमाग से, शरीर से, तो ही हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए
प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर 24 घंटे है दिन में तो हमें समझना है कि हमारे पास 23 ही घंटे हैं और एक घंटा हमें एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए। हम पकड़ना ही नहीं चाहिए कि हमारे हाथ में 24 घंटे हैं दिन के। अगर हम ऐसा करें तो हमारे लाइफ में हम काफ़ी एक्टिव रहेंगे। एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा बनता है और हम काफ़ी एक्टिवली दिन भर काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जिससे हम हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हमें और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केयरकर पुरंदर साइकेट्री नर्सिंग होम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो भी जानकारी है वो मिले। धन्यवाद।